हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इट्स कंक्लूडिंग पार्ट। आज हम इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द चैप्टर। इन द लास्ट सेशंस वी हैव रेड कि एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, क्या करते थे, किस तरह से अब्दुल कलाम जो है उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और आगे जाके उन्होंने किस कॉलेज से क्या पढ़ाई की और फिजिक्स में किस तरह से उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया, सब कुछ हमने पढ़ा। कहाँ कहाँ पे उन्होंने कब कब काम किया, ये सब भी हमने पढ़ा। साथ में ही हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि उनका जो योगदान था, कितना उनका इम्पोर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन था हमारे मिसाइल्स के लिए, हमारे विज्ञान में अंतरिक्ष से संबंधित जो स्पेस से संबंधित चीजें थी उसमें उन्होंने कितना महान योगदान दिया, ये सब बातें हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी। क्यों उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये सब हमने बातें जानी। आइए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। Besides being such a great scientist, he was a great writer too. He has written many books such as Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey. He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, A Vision for the New Millennium. His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वो इन सब के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ, besides being such a great scientist, he was a great writer too. एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो एक बहुत ही महान लेखक भी थे, राइटर थे। he has written many books, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, जैसे कि Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, ये सारे उनके बुक्स के नाम हैं जो उन्होंने लिखे। India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey, ये सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो आपको ये बुक्स हिंदी में भी मिल सकती हैं, ये सारी बुक्स हिंदी में भी ट्रांसलेट की हुई है। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, A Vision for the New Millennium. तो इनकी ये जो बुक है India 2020, A Vision for the New Millennium, इस बुक में इन्होंने अपने ड्रीम, अपना जो सपना था उनका, उसके बारे में भी उल्लेख किया। उनका सपना था भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना, तो इस बारे में उनकी इस बुक में उल्लेख मिलता है, मेंशन मिलता है। His advice to the youngsters of the nation was, उन्होंने भारत के जो नेशन के जो हमारे यंगस्टर्स यानी कि जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को जो एडवाइस दी, जो सलाह दी, वो ये थी, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम यानी क्या होता है बच्चों? ड्रीम यानी कि जो हम सपने देखते हैं, है ना। तो उनका कहना था ड्रीम यानी कि सपने देखो, खूब सपने देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इंटू थॉट्स, क्योंकि सपने ही बाद में जो है हमारे विचारों में तब्दील होते हैं, विचारों में बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन, और जो हमारे विचार होते हैं वही हमारे कार्यों में जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं, रिजल्ट उसका एक्शन होता है। तो देखिए, तो मतलब क्या हुआ कि हमें खूब सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने जो है वो हमारे विचार बनते हैं और विचारों को ही हम एक्शन में तब्दील कर पाते हैं। तो इसलिए उनका ये एडवाइस थी, उनकी ये सलाह थी हमारी युवा पीढ़ी के लिए। युवा पीढ़ी मतलब कौन? जैसे आप बच्चे, आपको अभी से खूब सपने देखने चाहिए अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले टाइम में आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हैं, इस बारे में आपको अभी से सपने देखने चाहिए, क्योंकि वही फिर आप आगे जाके कभी ना कभी जाके उसको आप जो है चेंज कर सकते हो अपने थॉट्स में, अपने विचारों में, और विचारों से फिर वो एक्शंस बनेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। तो ये कुछ जो है अवार्ड्स उनको मिले हैं भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया है पद्म भूषण से,
1981 में पद्म विभूषण से, 1990 में और भारत रत्न से। इसके साथ ही इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इसके लिए भी इनको 1997 में जो है अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रीय अखंडता, इंटीग्रेशन क्या होती है कि एकता और अखंडता, इसके लिए भी उनको अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 व्हाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलोंग। डॉक्टर कलाम का निधन जो है 27 जुलाई सन 2015 को हुआ, जब वो एक लेक्चर दे रहे थे शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM शिलोंग में जब वो अपना लेक्चर दे रहे थे, उस समय लेक्चर देते देते ही उनको जो है उनकी मृत्यु हुई। अचानक से उनको दिल का दौरा पड़ा। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सैडेड, पूरी दुनिया अचानक से जो है बहुत बड़ा उसको सदमा लगा और दुखी हो गई बाय द सडन एंड अल्टाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। उनकी जो इस तरह से अचानक से मृत्यु हुई, उससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ा सदमा लगा और दुखी हो गई पूरी दुनिया। उनका अनटाइमली डेथ यानी कि जो डेथ यानी क्या होता है, मृत्यु, और अनटाइमली जो समय से पूर्व, समय नहीं था अभी उनकी मृत्यु का, अचानक से जो हुई। ऑफ द सिंपल यानी कि बहुत ही साधारण से थे वो, हम्बल थे यानी कि सबसे बहुत ही प्रेम से प्यार से बात करते थे, विनम्रता भरी हुई थी उनमें। येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, लेकिन ये सब होते हुए भी हमारे अपने टाइम के वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। तो ऐसे व्यक्ति के निधन पे पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो शोकाकुल हो चुका था। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, ये उनका वाक्य है कि अगर आप एक सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना भी सीखो, जलो भी, जलना भी पड़ेगा हमें, ये उनका सेंटेंस है। देखिए, इस चैप्टर में हमने कुछ नए शब्द जो सीखे वो कौन से थे, न्यू वर्ड्स। एक्सेप्शनली, इसका मतलब क्या होता है, असाधारण रूप से। चांसलर मतलब कुलाधिपति। पिलिग्रिम यानी यात्री। एफिलिएटेड यानी संबद्ध। इंडिजिनियस स्वदेशी। ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी क्या होता है, ग्रह, उपग्रह का परिक्रमा पथ। बैलिस्टिक यानी पराक्षेपिक। एंड विजन यानी कि दृष्टि। तो ये कुछ वर्ड्स थे और उनके मीनिंग्स जो हमने देखे। अब बच्चों आइए देखते हैं कि और कौन सी चीजें हैं जो हमारी इसमें बाकी हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ मिसाइल्स। देखिए यहाँ पे मिसाइल्स के नेम, एक एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि अग्नि हुआ है ना, और जितने भी प्रक्षेपास्त्र थे, जितने भी मिसाइल्स के नेम हमने पढ़े थे, वो सारे यहाँ पे आएंगे। एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं। Choose the correct word from the bracket to fill in the blanks. ये भी हम कर चुके थे। देखिए, with a blank face, she said, my purse is empty. Empty और blank, दोनों का meaning almost same होता है, लेकिन क्या हुआ इसका मतलब, with a blank face, यानी कि face पे कोई भाव नहीं था, चेहरे पे भाव नहीं था, उसने कहा my purse is empty, मेरा पर्स खाली है। Empty यानी क्या होता है, खाली। ये exercise we have already done. अब देखिए language practice भी हम कर चुके हैं। अब हमें आज ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स की आज एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, और इसमें हमारे जो है पंक्चुएशन मार्क्स में ही हमारे जो है कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये सब भी आते हैं। तो ये आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अपने जो है स्लाइड्स में। एक्टिविटी देखिए यहाँ पे, लेट्स रीड एंड फॉलो, इसमें पढ़ना है और हमें फॉलो करना है एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था। Let's read APJ Abdul Kalam's words and follow them in our lives. तो चलिए पढ़ते हैं APJ Abdul Kalam ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने जो कहे थे चीजें वो पढ़ते हैं और उनको अपने जीवन में हम follow करने का जो है कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। I am the best, यानी कि मैं best हूँ, मैं सर्वोत्तम। अपने को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आप जो हैं, आप ही सबसे बढ़िया हैं, ऐसे समझिए। I can do it, यानी कि ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। कभी ये मत सोचिए कि ये तो काम जो है impossible है, असंभव है। असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। God is always with me, भगवान हमेशा मेरे साथ है। I am a winner, और मैं एक विनर हूँ। मैं हमेशा जो है विनर यानी कौन होता है, जो जीतता है, तो मैं एक विनर हूँ, I am a winner। तो ये जो तीन चार चीजें हैं, इसको हमेशा ध्यान में
रख के ही आप इसको रोज बोलिए, इसको लिख लीजिए अपने रूम में, ताकि आपको इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो आइए अब इसका जो एक एक्सरसाइज है वो भी देख लेते हैं। सो एज वी हैव सीन, वी विल स्टार्ट विद द लैंग्वेज प्रैक्टिस। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स। देखिए पंक्चुएशन मार्क्स ये जब आपके एग्जाम में भी आएगा तो आपको आप समझ लो कि आपको कहाँ पे क्या लगाना है, तो फिर आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए आप आराम से इसको कर सकते हो। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। अब एक चीज तो आप गांठ बांध दीजिए कि जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आता है और पंक्चुएशन मार्क्स लगाए तो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। आपका सेंटेंस जब भी कोई नया स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहली गलती क्या है, डब्ल्यू स्मॉल लिखा है तो हमने डब्ल्यू कैपिटल कर दिया। तो विल यू हेल्प मी, अब ये क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछा जा रहा है। तो जब एक क्वेश्चन है तो एंड में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लग सकता, तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया एकदम करेक्ट सेंटेंस। अब है नेक्स्ट, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस में आपको तीन जो है प्रॉपर नाउन मिलेंगे। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, इसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। दिल्ली, अब दिल्ली एक जगह का नाम है और वैसे भी फर्स्ट वर्ड है ये सेंटेंस का, तो यहाँ पे डी कैपिटल होगा। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे दिल्ली बताया जा रहा है कि जो कि भारत की राजधानी है। स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, ये कहाँ है, ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो अब हम जब इस तरह का सेंटेंस है दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली के बाद लगेगा एक कॉमा, है ना। यहाँ पे एक हम पॉज देके बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया फिर से कॉमा आएगा, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। अब यहाँ पे दिल्ली के बाद कौन सा प्रॉपर नाउन है, इंडिया, इंडिया भारत का नाम है ना, एक देश है। तो यहाँ पे आई अगेन कैपिटल आएगा और फिर से यमुना एक नदी का नाम है भारत की, तो ये भी एक कैपिटल आएगा और फिर एंड में दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, तो ये फुल स्टॉप आएगा। देखिए आपको यहाँ पे दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया कॉमा स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना फुल स्टॉप, तो ये यहाँ पे करेक्ट ही होगा। हाउ ब्यूटिफुल द स्काई इज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक जो है आश्चर्य कर रहे हैं कि कितना सुंदर आकाश है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने आपको पहले भी बताया था कहाँ पे लगता है, जब कोई इंटरजेक्शन के शब्द आते हैं वहां लगता है, उसके अलावा कुछ आश्चर्य है, दुख है, इस तरह का है, तो वहां पे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सो फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल कर दिया एंड लास्ट में जो है ये आ गया। अब हाउ से क्वेश्चंस भी स्टार्ट होते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, हाउ इज द स्काई, अगर इस तरह का होता तो ये क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पे आप देखो वर्ड ऑर्डर देखो, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, यानी कि यहाँ पे इज जो है ये वर्ब है, तो हमने वर्ब को सबसे एंड में लगा दिया, तो ये वर्ड ऑर्डर बदल गया और ये एक जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो आस्क्ड मीरा, तुम कहाँ जाना चाहते हो, मीरा ने पूछा, तो यानी कि यहाँ पे मीरा के शब्द लिए गए। वेयर तो डब्ल्यू कैपिटल हो गया, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ये जो लाइन है ये हमारी ये मीरा ने पूछी है, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, अच्छा वेयर डू यू वॉन्ट टू गो एक क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देन जहां से जितना मीरा ने बोला था उतना हमने एक जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास में लगाया। इसके बाद आस्क्ड मीरा, मीरा ने पूछा, तो इसलिए हमने ए यहाँ पे अभी स्मॉल नहीं आएगा, मीरा ने पूछा है इसलिए ये ए स्मॉल है। एंड देन मीरा अगेन एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम जब होता है तो भले ही सेंटेंस के बीच में आए हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, देन अ फुल स्टॉप, तो सिंपल है। होपफुली आपको समझ में ये आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए एक एक्टिविटी है आपके बुक में, इफ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम थ्री क्वेश्चंस व्हाट वुड दे बी, अगर आपको एक चांस मिलता, मौका मिलता प्रेसिडेंट कलाम से कुछ पूछने का, तीन क्वेश्चन पूछने का, तो आप कौन से क्वेश्चंस पूछते, तो देखिए क्या हो सकते हैं वो क्वेश्चंस। What inspired you to study so much even after living in a humble background? आपको किस चीज से inspiration मिला, प्रेरणा मिली इतनी पढ़ाई करने की, जबकि आप जो है इतने humble, मतलब इतनी गरीबी से आप बाहर आए, तो आपको कौन सी प्रेरणा मिली? नहीं तो कई लोग होते हैं जो बहुत गरीबी से आते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें कुछ तो था, तो ये सवाल एक हो सकता है।
Why do you think people of India call you people's president? आपको क्यों लगता है कि भारत के लोग आपको people's president यानी कि लोगों का राष्ट्रपति, president क्या होते हैं, राष्ट्रपति कहते, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग ऐसा आपको क्यों बोलते हैं? और लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, what difference do you notice in the education of your times and the present times? आपके हिसाब से आपको क्या अंतर लगता है आपके टाइम में जो आपने पढ़ाई की और अब जो पढ़ाई हो रही है उसमें मुख्य अंतर क्या है आपके हिसाब से? तो ये तो हमने एक हाइपोथेटिकल 3 क्वेश्चंस दे दिए। आप अपने मन से भी बना सकते हैं कोई क्वेश्चंस जो आप एक्चुअली, आप अगर आप मिलते तो पूछना चाहते तो आप अपने मन से भी ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यही फिनिश हो रहा है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर था और मोटिवेशनल चैप्टर था। हमको मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक किसी भी बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति आज कहीं भी पहुंच सकता है, हमें ये प्रेरणा मिलती है ना। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, प्रोग्रेस कीजिए अपनी लाइफ में, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम ऊंचा कीजिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।